અમારી D9 ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ક્લિક કરો, બે આઇકન કરો અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ। गुजरात में वधी रहेला कोरोना ना संक्रमण अने होळी अने धुळेटीना तहेवार ने लईने विश्वविख्यात जलाराम वीरपुर मंदिर ने आवता 3 दिवस सुधी बंद राखवानो निर्णय लेवामां आव्यो छे। गुजरात में वधी रहेला कोरोना ना संक्रमण अने होळी अने धुळेटीना तहेवार ने लईने विश्वविख्यात जलाराम मंदिर वीरपुर ने आवता 3 दिवस माटे बंद करवानो निर्णय लेवायो छे। आ 3 दिवस दरमियान जलाराम मंदिर द्वारा चलावामां आवतुं सदाव्रत पण बंद राखवामां आवशे। सदाव्रत अने अन्य क्षेत्र मात्र साधु संतो माटे चालू रहेशे। गुजरात में जारे कोरोना ना केस सतत वधी रह्या छे त्यारे होळी अने धुळेटीना तहेवार में वीरपुर में कोई भीड़ एकठी ना थाय ते माटे अने कोरोना वधु ना फैलाय तेना माटे आ निर्णय लेवायो छे। वीरपुर मंदिर तारीख 27 थी 29 तारीख सुधी बंद रहेशे अने आ दिवस दरमियान मंदिर ना तमाम जातना दर्शनों पण बंद राखवामां आव्या छे। साथे जलाराम भक्तों ने आ 3 दिवस दरमियान जलाराम बापा नी भक्ति घरे रहीने करवा विनंती करवामां आवी छे। जलाराम मंदिर फरी आवती 30 तारीख थी राबेता मुजब भक्तों माटे खुल्लो मुकवामां आवशे। भारत नी अंदर तहेवारो निमित्ते तमाम श्रद्धा अने आस्था धरावता दर्शनार्थीओ मोटी संख्यामां संत शिरोमणि जलाराम बापाना दर्शन करवा माटे आवे छे, परंतु समग्र विश्व अने आपणे सौ कोरोना संक्रमण वधु फैलाई रही है, ए संक्रमण न फैलाय ए माटे जलाराम बापा नी जग्याना पूज्य रघुराम बापाए होळी धुळेटीना तहेवार निमित्ते 3 दिवस आ मंदिर बंद राखवानो निर्णय कर्यो छे। मंगळवार थी राबेता मुजब दर्शनार्थीओ दर्शन करी शकशे अने महाप्रसाद पण लई शकशे। अत्यारे जे सदाव्रत 201 वर्षथी अविरतपणे चालू छे ए सदाव्रत आ 3 दिवस दरमियान पण અહીં રહેતા સાધુ સંતો અભ્યાગતો અને ગરીબ માણસો માટે મંદિરમાં જ ભોજન તૈયાર થશે અને તે માનકેશ્વર મહાદેવ મંદિરના સ્થળે જઈ તમામ લોકોને મહાપ્રસાદ દેવામાં આવશે। એટલે સદાવ્રતમાં અહીં કોઈ દી બ્રેક આવી નથી, કોઈ દી બંધ રહ્યું નથી અને રહેશે પણ નહીં। હરેશ ભાલિયા, D9 ન્યૂઝ, જેતપુર।